बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है स्टेयरकेस के बारे में। अगर आप स्टेयरकेस घर में बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसको कितना स्पेस लगेगी, कितना जगह लगेगी और उसको कितना एंगल देना चाहिए, कितना स्लोप देना चाहिए, वो बताता हूँ इस वीडियो में। बनी रही है इस वीडियो पर पूरी इन्फॉर्मेशन, जानकारी हासिल करने के लिए। जैसा कि आपका ये हाउस है, आपका ये हाउस है 30x40 फीट का, तो यहाँ पे आपको स्टेयरकेस कहाँ पे सेट करना है और किस तरह से सेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन, जानकारी हासिल करने के लिए। ओके, ये जो है लैंडिंग है। ओके, आपको लैंडिंग कितना देना है, मिनिमम आप लैंडिंग देंगे, कम से कम आप लैंडिंग देंगे 3 फीट। ओके, और जो आप स्टेयरकेस, ये जो स्टेयरकेस है ये देख सकते हैं आप, ये जो विड्थ है स्टेप्स का, ये जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेप्स, एक स्टेप्स आता है जैसा कि ये स्टेप्स है, ये वाला स्टेप्स है। ओके, इसको आप देना है, एक स्टेप्स को मिनिमम 3 फीट देना है, मिनिमम कम से कम आपको 3 फीट देना है, 3 फीट देना है। आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, आप प्लान कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 3 फीट देना है और यहाँ पे 3 फीट मिनिमम, तो कितना हो जाएगा, ये 6 फीट जगह मिल जाएगी आपको, 6 फीट खाली आपको स्टेयरकेस के लिए देना होगा। जैसा कि उसका प्लान बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लान, इस तरह से प्लान होता है, इस तरह से स्टेप्स आते हैं, इस तरह से स्टेप्स आते हैं उसके, इस तरह से स्टेप्स आते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिनिमम 3 फीट देना चाहिए आपको, मिनिमम कम से कम, आपसे ज़्यादा देंगे तो भी अच्छा रहेगा। और ये जो इतनी जगह लगती है और यहाँ पर जो लैंडिंग आता है, लैंडिंग के लिए भी मिनिमम आपको 3 फीट देना है मिनिमम, चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, अपार्टमेंट हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, जो भी है, मिनिमम रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 3 फीट मिनिमम। और इस तरह से यहाँ से यहाँ तक कितनी जगह लगेगी और ये स्लोप कितना रहना चाहिए, जो स्लोप है ये रहना चाहिए 25 डिग्री टू 40 डिग्री के बीच में, ये स्लोप रहना चाहिए, ये स्लोप जो है 25 टू 40 के बिटवीन में स्लोप रहना चाहिए। और ये जो स्टेप्स देते हैं हम, स्टेप्स इस तरह से जो स्टेप्स देते हैं वो कितना रहना चाहिए वही बता देता हूँ। ये जो है थ्रेड बोलते हैं उसको, जो पैर रखते हैं वो रहना चाहिए 10 इंच से लेके 12 इंच तक थ्रेड, ये वाला, और 250 mm टू 300 mm बोल सकते हैं। और ये वाला जो है, सॉरी, ये वाला जो है, ये वाला जो है 5 इंचेस से लेके 8 इंच तक आप दे सकते हैं। जैसा कि 125 mm टू 200 mm ये राइजर, ये आप लेंगे तो आपको बेटर रहेगा। और इसमें और एक चीज़ बताता हूँ, टोटल स्टेयरकेस को स्पेस कितनी लगेगी, टोटल आपको स्पेस कितनी लगेगी, तो टोटल आप जहाँ पे भी, जैसे कि यहाँ पे आप स्टेयरकेस प्रोवाइड करते हैं प्लान में, तो आपको यहाँ पे मिनिमम जगह लगेगी आपको 18 फीट, और आपको ऐसे में, आप ऐसे में 6 फीट बताया हो ना, मैं आपको 3 6 फीट, इसकी जगह आप इसको क्या कर देंगे, आप
फोर फीट लेंगे तो बेटर रहेगा, 4+4 8 फीट जगह देंगे तो आपके इस तरीके बढ़िया आएंगे, बहुत अच्छा आएंगे। तो यहाँ पे ले लीजिए आप 8 फीट, ऐसे में 18 फीट, तो ये आपके इस तरीके से आ जाएंगे। और यहाँ पे आपका आ जाएगा लैंडिंग, और लैंडिंग देंगे 4 फीट का, ऐसे में 8 फीट, ऐसे में 4 फीट का आपका लैंडिंग। और यहाँ पे कितना 30 फीट स्पेस है, 30 फीट में से यहाँ पे कितना गया, 18 चला गया, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 12 फीट आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा। आपके प्लान के हिसाब से आपको यहाँ पे 12 फीट आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा। यहाँ से इस तरह से आपके स्टेयरकेस आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ से स्टेयरकेस आ जाएंगे आपके। ये ऐसा इस तरह से आप प्लान में सेट कर सकते हैं, या फिर आपको स्टेयरकेस इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका और एक ऐसा प्लान है 30x40 का, ऐसे में 40, ऐसे में 30 फीट, आप इस तरह से भी सेट कर सकते हैं स्टेयरकेस। यहाँ से 8 फीट चला जाएगा, यहाँ से 18 फीट, तो यहाँ पे जगह कितना मिलेगा, 8 फीट बोलते, यहाँ पे 22 फीट जगह मिलेगा आपको, यहाँ पे 22 फीट जगह मिलेगा। यहाँ पे कार पार्किंग सभी आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल 40 फीट है, तो यहाँ पे भी 22 फीट, यहाँ पे 40 फीट है, 40 फीट में से आपका 20, यहाँ पे भी 22 फीट बचेगा, यहाँ पे भी 22 फीट जगह बचेगा। तो यहाँ आपका लैंडिंग भी आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पे आपका स्टेयरकेस भी आ जाएगा। तो आज की जो हमारी टॉपिक थी वो थी स्टेयरकेस के बारे में। ये जो है हैंडरेल है, हैंडरेल यहाँ पे डाला हूँ, ये वाला हैंडरेल है, ओके, ये वाला भी हैंडरेल है, ओके। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आप हमारा चैनल देख रहे हैं, अगर आप हमारे फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, हमारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स ऑडियंस हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर कीजिए। अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें डाउट है तो आप इसमें ये टॉपिक में आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन रहेगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं डाउट रहा तो। न्यू वीडियोज़ के लिए भी वहाँ पे कमेंट बॉक्स है यूट्यूब में, वहाँ पे कमेंट करेंगे तो न्यू टॉपिक लेके आऊँगा। आप अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर, सेफ, बाय बाय।